हिंदुस्तान के हर नागरिक को संविधान के अनुसार प्रदर्शन करने का अधिकार है। देश में पहले ही लोग मर रहे हैं और भारतवर्ष के लोग बच्चे वहां जाकर के नौकरी करें। चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव, इन लोगों ने वोटों की चोरी की। आपने अंबाला भी बंद कर दिया, शाहबाद भी बंद कर दिया, करनाल भी बंद कर दिया, कुंडली भी बंद कर दिया। अरे इन किसानों को जाने दो। मैं प्रोफेसर डॉक्टर कृष्ण चंद कारसा, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के विचार बुद्धिजीवी विभाग का राष्ट्रीय महासचिव, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के विचार विभागों का प्रभारी हूँ और हरियाणा प्रदेश मैनिफेस्टो कमेटी का मेंबर हूँ और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का पूर्व रजिस्ट्रार। आज देश और प्रदेश के कई राजनीतिक जो हालात हैं उनके ऊपर ये प्रेस वार्ता निमंत्रित की गई है और आप साथियों को कष्ट दिया गया है। सबसे पहले तो मैं किसान आंदोलन की बात करना चाहता हूँ कि शंभू बॉर्डर पर जो हरियाणा पंजाब की सीमा है वहां पर किसानों के आगे आठ आठ लेयर लगा दी गई है, कीले गाड़ दी गई है, कंटेनर लगा दिए गए हैं। ऐसा अनुभव होता है कि जैसे भारत पाकिस्तान का युद्ध हो गया। लगभग दो वर्ष पूर्व जब कुंडली बॉर्डर पर हिंदुस्तान के किसानों ने तीन काले कानूनों के विरुद्ध बहुत बड़ा आंदोलन किया था, उस आंदोलन को समाप्त करने के लिए भारत सरकार ने तीनों कानूनों को वापस लिया और मोदी जी ने ये गारंटी दी थी कि मैं एमएसपी पर कानून बनाऊंगा। लेकिन दो वर्ष बीत चुके अभी तक ना तो उन्होंने कानून बनाया और उस पर एक समिति बिठाई थी, ना उस समिति की रिपोर्ट। इससे परेशान होकर के देश के किसान एक बार फिर आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। आज मोदी जी कहते हैं कि मोदी की गारंटी, मेरा उनसे निवेदन है कि आपकी पिछली गारंटियों का क्या था? आपने कहा था 2014 में जब आप शुरू में आए कि प्रत्येक हिंदुस्तानी के खाते में 15-15 लाख। आपने कहा था कि हम एक वर्ष में 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार दें। आपने कहा था कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे और 2022 तक किसान की आय दुगनी कर। ये सब चीजें तो आपने लागू नहीं की, उल्टा आपने हिंदुस्तान की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पर इतनी चोट की है और उनको इतना डराया है, वो भयभीत हैं। इस देश का राज संविधान से चलता है। हिंदुस्तान के हर नागरिक को संविधान के मुताबिक अपनी बात कहने का अधिकार है। हिंदुस्तान के हर नागरिक को संविधान के अनुसार प्रदर्शन करने का अधिकार है। हाँ, अब उच्चतम न्यायालय ने इस पर संज्ञान लिया और कहा कि जितने भी रास्ते हैं आम जनमानस के लिए उनको खोल दिया, नहीं तो लोग कहाँ कहाँ, आपने अंबाला भी बंद कर दिया, शाहबाद भी बंद कर दिया, करनाल भी बंद कर दिया, कुंडली भी बंद कर दिया। अरे इन किसानों को जाने दो। हाँ, दिल्ली जाकर यदि ये कोई हिंसक प्रदर्शन करते हैं तब आप इनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, आपने वहीं पर क्यों रोक दिया? फिर आप बार बार कहते हैं कि हमारी गारंटी है, हमारी गारंटी है। संवैधानिक संस्थाओं को आपने अभी मैन, चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव, इन लोगों ने वोटों की चोरी की। जो वहां के रिटर्निंग ऑफिसर थे बिल्कुल कैमरे में दिखाई दे रहे,
कि उन वोटों को इनवैलिड अवैध करार देते हुए उन पे निशान लगाया। मैं सलाम करता हूं हिंदुस्तान के उच्चतम न्यायालय, उनके जज का, मुख्य न्यायाधीश, जिन्होंने संज्ञान लिया और कहा कि लोकतंत्र में हिंदुस्तान की ताकत विश्व में लोकतंत्र की है और आप लोकतंत्र यहां पर समाप्त कर दोगे तो देश में क्या बचेगा। और उन्होंने वहां उन वोटों को दोबारा से वैध करार देते हुए भारतीय जनता पार्टी का, जिन्होंने जबरदस्ती मेयर बनाया था, आम आदमी पार्टी के मेयर की घोषणा। इसी प्रकार आज नौजवानों को रोजगार देना तो दूर की बात है, उनको बहकाया जा रहा है, उनको कहा जा रहा है कि यूक्रेन में जाकर के नौकरी करो। यूक्रेन में पहले ही लोग मर रहे हैं और भारतवर्ष के लोग बच्चे वहां जाकर के नौकरी करें। इस क्षेत्र के विशेष रूप से करना, मेरा गांव भी निकल खेड़े विधानसभा क्षेत्र में कारसा है, पैतृक गांव है मेरा, हर गांव से, क्योंकि नौकरी तो है नहीं, ना भारत सरकार के पास है ना प्रदेश सरकार के पास है, नौकरी है नहीं, बच्चे पलायन विदेशों में चले। आप कहते हैं हरियाणा प्रदेश की सरकार कहती है कि हमने खर्ची पर्ची बंद कर, बड़ा ढोल पीटते हैं इनके सारे कार्यकर्ता मंत्री एमएलए, खर्ची पर्ची बंद। मैं कहता हूं इन्होंने खर्ची पर्ची तो बंद कर दी लेकिन खर्चा पर्चा शुरू कर दिया। खर्चा मतलब मोटा पैसा और पर्चा मतलब पेपर। आप तो पढ़े लिखे हैं, कॉलेज में यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, पेपर पास करो। हरियाणा में दो एजेंसियां हैं भर्ती करने, हरियाणा लोक सेवा आयोग और हरियाणा कर्मचारी का। हरियाणा लोक सेवा आयोग के कार्यालय में पंचकुला में जो उनके सेक्रेटरी सचिव थे नागर जी, उनकी अटैचमेंट में 3 करोड़ रुपए ये खर्चा है। और उन्होंने जब ये कहा कि मैं तो एक मोहरा हूं इसमें बड़े बड़े मगरमच्छ, 2-2 करोड़ में बोली थी एसडीएम लगा, तो उनको कहा कि तुम अपनी जवान बंद करो, थोड़े दिन सस्पेंड करके दोबारा बहाल कर देंगे, हमारा नाम नहीं लेना मगरमच्छ हो। ये है इनका खर्चा खर्चा। अब तक सैकड़ों पेपर लीक हो चुके, कितनी भर्तियां की रुकी हुई और ये कितना खिलवाड़ करते हैं नौजवानों से, इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। और एक वर्तमान ज्वलंत अपराध कानून व्यवस्था, परसों कल उनका संस्कार हुआ। इंडियन नेशनल लोकदल जो हरियाणा की पार्टी है उसके प्रदेश अध्यक्ष पूर्व विधायक श्री नरसिंह सिंह राठी जी को सरेआम गोलियों से भून दिया। कहते जी हमने हरियाणा प्रदेश से अपराध खत्म कर दिया, एक सर्वेक्षण रिपोर्ट है, मैं नहीं कह रहा हूं, भारत सरकार की सर्वेक्षण रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने बताया कि अपराध में और कानून व्यवस्था का चौपट होने में हरियाणा का नीचे से नंबर। और ये कहते हैं हमने कानून व्यवस्था कायम, जब एक राजनीतिक पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक सुरक्षित नहीं है मित्रों, और हम आप कैसे सुरक्षित हो। इस प्रकार की व्यवस्था, इस प्रकार का कार्य ये सरकारें कर रही हैं और लोगों को बहकाते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ लूट और जुमले इनका प्रसिद्ध नारा, इसी पर ये काम करते हैं। इसके अतिरिक्त अभी बजट पेश किया,
केंद्र सरकार का भी और हरियाणा सरकार का। मित्रों, केंद्र सरकार ने 377 लाख के कर्ज का बजट पेश किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री थे 2014 में, उसके बाद इन्होंने संभाला। मनमोहन सिंह के समय में 58 लाख करोड़ कर्ज था, आज 377 लाख करोड़ कर्ज है। प्रत्येक हिंदुस्तानी के ऊपर, आपके ऊपर भी, मेरे ऊपर भी 27,000 का कर्ज, और कर्ज के ब्याज को देने के लिए और कर्ज लिया था। हरियाणा प्रदेश ने बजट में किया माननीय मनोहर लाल मुख्यमंत्री। मैं तो बल्कि आंकड़ा 2-3 दिन पहले मैंने इनका आंकड़ा पढ़ा ना कि 2 लाख करोड़ का कर्ज, लेकिन आज फिर मैं पढ़ रहा था, इन्होंने कहा 3,89,000 करोड़। एक विधायक ने, विपक्ष वाले ने कहा कि नहीं, ये 4 लाख से ऊपर की कर, चलो 3,89,000 करोड़ भी अगर हम ले तो एक व्यक्ति के ऊपर 1 लाख। विकसित भारत संकल्प यात्रा, वाह, केंद्र सरकार का 377 लाख करोड़ का कर्ज, हरियाणा सरकार का 1,89,000 का करोड़ का कर्ज, और फिर कहते विकसित भारत। तो सुंदर, हम भी आपका साथ देंगे, विपक्ष वाले बनाइए। 140 करोड़ की जनता में से 80 करोड़ जनता को फ्री राशन दिया जाता है, विकसित भारत बना। लाइन में लगते हैं, हम विकसित भारत बनाए। कहां से विकसित भारत बना हो गया? विकसित भारत का अर्थ होता है वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां की प्रति व्यक्ति आय, वहां का प्रति व्यक्ति निवेश, वहां की 100% शिक्षित होना, लिटरेसी, वहां के हर व्यक्ति की आमदनी, यहां तो कर्ज है। ये विकसित भारत की परिभाषा है, उसका कंसेप्ट, विकसित देश का कंसेप्ट। आप किस प्रकार से विकसित भारत बनाओगे? और मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, पिछली गारंटी पूरी कर दो भाई, ये देश त्रस्त, इस देश के लोग बहुत परेशान हैं, हमको, हम सब आस्थम लोगों को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर मत लड़वाइए, लोगों को स्वास्थ्य दीजिए, लोगों को सुरक्षा दीजिए, लोगों को शिक्षा दीजिए। हरियाणा प्रदेश में जब चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा ने सरकार छोड़ी थी, प्रति व्यक्ति आय में 1 नंबर, प्रति व्यक्ति निवेश में 1 नंबर, शिक्षा में 1 नंबर पर था, इतने विश्वविद्यालय, इतने कॉलेज, स्वास्थ्य के नंबर पर 1 नंबर। आज बेरोजगारी में 1 नंबर, आज अपराध में 1 नंबर। मुझे भी और आपको भी हंसी आती है, आपने शपथ ली थी मुख्यमंत्री की, उस शपथ में कहा था, संविधान में, संविधान की शपथ ली थी कि प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को मैं सुरक्षा दूंगा, सबके प्रति बिना भय और बिना पक्षपात रवैया अख्तियार करूंगा। सर, मैं ये करना चाहूंगा, 137 आप लोगों को पता है, 1800 वर्षों के होने के बावजूद भी आज देश के अंदर कांग्रेस पार्टी विपक्ष के रूप में भी सबसे ज्यादा कमजोर अपनी आवाज को जो है वो बुलंद कर पा रही है। जो 10 साल या 15 साल पार्टी हुई है वो पूरे विश्व के अंदर अपने आप को ख्याति प्राप्त कर
कहीं आपको आपने लगता नहीं है कि आपके इतिहास में कहीं ना कहीं कमजोरी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसने इस देश को स्वतंत्रता दिया, उस समय में जितने भी लोग थे जो अंग्रेजों से स्वतंत्रता दिलाना चाहते थे, चाहे वो नरम दल के थे चाहे एक संगठन बनाया गया, एक झंडे के नीचे, एक संगठन के नीचे हम आजादी की लड़ाई लड़े, और वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसमें मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे, नौजवान भी थे, बुजुर्ग भी थे, महिलाएं, सब ने एकत्रित होकर के वो आजादी दिलवाई। मैं ये नहीं कहता हूं कि उसमें वर्तमान शासन वाले लोग ठीक नहीं थे, वो सब इतिहास जानता आप लोग, लेकिन अब जिन लोगों के विरुद्ध अब ये देखो बाहर जाते हैं, महात्मा गांधी जी की पूजा करते हैं, यहाँ आते हैं तो गोडसे जी की पूजा करते हैं, ये दोहरा चरित्र है। इतना बड़ा समुद्र है तो गठबंधन की नहीं, गठबंधन तो ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उन्होंने नाम आइडिया दिया हुआ है, जब पीछे इंडिया गठबंधन में 28 पार्टियां आई थी, इन्होंने उससे ऊपर पार्टियां जोड़ करके दिखाई। हरियाणा प्रदेश में, वैसे तो पूरे देश में इंडिया गठबंधन हुआ है, लेकिन हरियाणा में हमारा आम आदमी पार्टी का गठबंधन, एक सीट आम आदमी पार्टी को दी गई है कुरुक्षेत्र, और करनाल सीट पर हम बहुत ही, करनाल क्या, हम 9 सीटों पर हम कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, और आपको मैं बता दूं अंदर लोगों में इतना रोष है कि हम 10 की 10 लोकसभा की सीटें जीते, और भारतवर्ष में ये तो कहते हैं ना 370 पार और एनडीए की 400 पार, हम इनसे इनकी तरह झूठ नहीं बोलते सर, 2024 में एक सेकंड मैं ये बात कर लूंगा, हम इनकी तरह झूठ नहीं बोलते, हमारी इंडिया गठबंधन की सीटें 300 पार आएगी और भारत में इंडिया गठबंधन की सरकार, भाजपा तो कहती है कि 40 पार भी हो जाए तो ये कांग्रेस के लिए जीत है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो जो मर्जी कहते रहे, लेकिन हमारे कार्यकर्ता, देश के लोग, हमारा संगठन, हमारी बातें सारी, जो हमारी योजनाएं हैं और उनका जो झूठ है वो लोगों को पता चल चुका है कि ये कितने जुमले करते हैं और धरातल पे कुछ नहीं है। 2024 की शुरुआत में ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी यहाँ पे करनाल में आए थे 9 मार्च पर, तो उन्होंने कहा था कि हमें गठबंधन की जरूरत नहीं है, पार्टी पहले से ही मजबूत है, तो अब इंडिया गठबंधन की बात कैसे है? समय और परिस्थितियाँ बदलती रहती है, समय के साथ गठबंधन होता है, परिस्थितियों के साथ, और जैसे समय पूरा इंडिया गठबंधन का है, या हमारा जो प्रदेश का नेतृत्व है उसका नहीं, जो केंद्र नेतृत्व है उसने गठबंधन, आपने देखा होगा कल और परसों अखिलेश जी उत्तर प्रदेश में हमारे नेता राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा में शामिल हुए और 17 सीटें दी गई और 1-2 दिन में बंगाल में भी तय हो जाएगा और निश्चित रूप से हमारी सरकार। सर मैं जानना चाहूँगा, अभी आपने कहा कि केंद्र सरकार जो है वो 400 पार कर रही है और आपने 300 पार, तो आपने वो इतना कॉन्फिडेंस नहीं बनाया कि कांग्रेस को जो है वो उससे ज्यादा बता सके, जीते हार या जीत तो वो बात की बात है, लेकिन आपको इस समय भी आपको ये लग रहा है कि आप उनसे कम ही बता रहे? हमें आत्मविश्वास है जिसको कॉन्फिडेंस कहते हैं, उनको अति आत्मविश्वास है, ओवर कॉन्फिडेंस, हम धरातल की बात करते हैं, वो झूठ की बात करते हैं, वो ईवीएम की बात करते हैं, ईवीएम पे भी मैं आपको बता दूं, अभी ईवीएम को लेकर के जो न्याय जस्टिस है वो पूरी दिल्ली के अंदर जो है दिल्ली में आप प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ऐसे में आप किस तरीके से उसको देख रहे हैं? मैंने आपको पहले ही निवेदन किया है कि हिंदुस्तान में ईवीएम बंद होना चाहिए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी इसके पक्ष में, कारण अभी, और भारत के उच्च न्यायालय को मैंने सलाम किया है और इस बात के लिए भी सलाम करता हूँ कि पहली बार आजादी के बाद देश के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में प्रदर्शन करना पड़ रहा है कि ईवीएम बंद किया जाए, अर्थात ईवीएम में कोई भी इंजीनियर बता सकता है कि वो हैक होती है, और ये पहले से सेट कर लेते हैं
आज देखो विकसित देश, हमारा तो अभी सपना बहुत दूर था विकसित, विकसित देश कनाडा अमेरिका इंग्लैंड, उन्होंने ईवीएम बंद करके मतपत्र पर आए। क्यों आए? हमारे से तो इंजीनियरिंग में टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है वो, और जब वो इतने आगे हैं तो उन्होंने क्यों बंद की? वो इसलिए बंद की ना, वो हैक। और मैं सच बताऊं, इस बार अगर मतपत्रों से चुनाव हो गया ना देश में, ये 100 पार नहीं करते। सर अपना पूरा रेफरेंस मैंने, हाँ एक बार फिर मैं बता दूं, मैं प्रोफेसर डॉक्टर कृष्ण खारसा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के विचार बुद्धिजीवी विभाग का राष्ट्रीय महासचिव, हरियाणा पंजाब और हिमाचल प्रदेश के विचार विभागों का प्रभारी, और हरियाणा मैनिफेस्टो कमेटी का मेंबर, और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का पूर्व रजिस्ट्रार। मुझे अब तक 5 राष्ट्रीय और 15 अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड आपको, हाँ, और मैंने सूत्रों से खबर है कि आप विधानसभा, मैं लोकसभा, मैंने अप्लाई किया हुआ है लोकसभा के लिए, और लोकसभा के लिए मैं प्रबल दावेदार हूँ और मजबूती से, और मेरे नाम पर चर्चा है।